हे गाइस, बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, रियल लाइफ विद बबीता में। तो चलिए गाइस, आज आपके लिए मैं क्या लेके आई हूँ, मटर पनीर की रेसिपी। आई हूँ आपको पसंद आएगी। तो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, जो न्यू है मेरे चैनल पर। तो चलिए गाइस, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी कि मैं मटर पनीर कैसे बना सकते हो आप ढाबा स्टाइल। तो चलिए गाइस, मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आप भी खाने में और वैसे भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये मेरा ब्लॉग। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो फुल वॉच करिएगा तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो पता चला कि आपने मतलब छोड़ दिया तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं कभी बीच में पता नहीं क्या बताने लगूँ। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि मैंने मटर पनीर को कैसे बनाया। तो बने रहिएगा वीडियो में, आई हो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं, चलते हैं अब हम किचन में। चलिए गाइस, मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं मटर पनीर को कैसे बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने छोटी छोटी चार प्याज ली हुई हैं, और एक लहसुन की जो पूरी गांठ नहीं होती है वो ली हुई है, और एक टमाटर, एक हरी मिर्ची। आप लोग हरी मिर्ची ज़्यादा भी ले सकते हो, बट मैंने बच्चे की वजह से कम लिया हुआ है। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा वो थोड़ी सी मिर्ची कम खाता है, तो इस वजह से आप लोग और भी ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि ये तीखी भी बहुत हैं, तो इसी वजह से मैंने एक ही ली है। तो इसको मैं जाल में पीस लूँगी, और जाल ना मेरा मतलब लाइट चली गई थी उस समय, तो फिर मैंने चोपड़ से कर लिया है। आप लोग जाल से भी कर सकते हो, चोपड़ से भी कर सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल इसको चोपड़ से कर लिया क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में, तो फिर इस वजह से। और आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप लोग मटर पनीर को कैसे बना सकते हो। तो ये देखिए गाइस, जो ये मटर लेके आए थे, तो मतलब पहले मैं इसको बॉईल कर लूँगी। मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया, फिर इसको बाद मैं इसको हल्का सा बॉईल कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि मटर को तब तक हल्का सा ना उबालना उसका मतलब अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से उबाल ली। तो ये देखिए गाइस, ये जो मैंने चोपर में करके रखा था ये, और पनीर को मैं कट कर लूँगी, ये देखिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये पनीर मेरा 250 ग्राम पनीर है, और 250 ग्राम शायद मटर 250 ग्राम ही है, तो मटर भी। तो मैं वॉइस ओवर दूसरे दिन कर रही हूँ, तो थोड़ा इस वजह से हो रहा है। तो इसको मैं कट कर लूँगी, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हो, मतलब छोटा बड़ा मैं अपने हिसाब से कर ले रही हूँ फ़िलहाल यहाँ पर, क्योंकि ना मुझे बड़ा रखना है ना ही मेरे को छोटा रखना है, तो मैं उसी हिसाब से कट कर लूँगी। ये देखिए गाइस, और आप इस तरीके से मटर पनीर बनाओगे ना, तो आप भी इसके फैन हो जाओगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है ये इसको। और ये जो मेरा टमाटर लिया था मैंने, एक ये मतलब काफ़ी बड़ा है तो मैं एक ही डाल रही हूँ, तो इसको मैं अब कट कर लूँगी। और थोड़ा सा ना टीवी चल रही है, बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और इसको मैं चोपर में भी कट सकती थी, बट मुझे चोपर में नहीं करना है, मैं ऐसे ही कट करके बनाऊँगी, क्योंकि ना इसका इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी ना, तो इसका टेस्ट और भी अलग आएगा। तो ये देखिए गाइस, मटर मेरी बॉईल हो चुकी है, और इसको मैं निकाल लेती हूँ छन्नी में। तो चलिए निकाल लेते हैं गाइस इसको। और ये मैं उस दिन जो छन्नी लेके आई थी ये वो वाली है, अब ये मेरे बहुत काम आने वाली है, इसीलिए मैं लेके आई थी इसको। ये देखिए गाइस, मटर मैंने निकाल ली है सारी, और इसी कढ़ाई में बनाने वाली हूँ मैं इसको। पहले इसका पानी गिरा देती हूँ, और फिर इसको धो के फिर से रख देती हूँ। तो
तो ये देखिए कैसे हो गई है कढ़ाई, मतलब काली काली सी, ये मतलब धो दिया ना, थोड़ा सा पानी था तो इस वजह से हो गई है। तो ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है गाइस। और मैंने ना इसमें मैं पनीर वनीर को थोड़ा फ्राई करूँगी, तो इसलिए मैंने इतना डाला हुआ है, बट ज़्यादा नहीं है फिर भी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं, तो मैंने इस वजह से इतना ही लिया हुआ है। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हो, आप लोग ज़्यादा खाते हो तो। और एक बार ट्राई करना, फिर मुझे बताना आपका मटर पनीर की रेसिपी कैसी बनी। तो ये देखिए गैस ऑयल मेरा लगभग गर्म हो चुका है। और सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ जो पनीर जो मैंने कट करके रखा था ना, वो हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी पहले, ये देखिए। और आपको गैस मतलब ज़्यादा नहीं करना है इसको फ्राई, नहीं तो ना ये वो हो जाएगा, जल जाएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो कचर कचर नहीं करता वो करने लगेगा, इसी वजह से मैं कह रही हूँ आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि होटल वाले जो होते हैं वो तो कच्चा भी डाल देते हैं, तो बट मुझे कच्चा ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, तो मैं इस हिसाब से हल्का सा कर ले रही हूँ इसको, बहुत हल्का सा। तो ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं किया है, और अब इसको मैं निकाल लूँगी गैस। ये देखिए, और इसको मैं ऑयल को थोड़ा सा और गर्म होने दूंगी, फिर इसमें मैं डालूंगी जो मसाले वगैरह जो मुझे डालने हैं भूनने हैं। तो ये देखिए खड़े मसाले ले लिए हैं कुछ मैंने, तो ये भी मुझे डालना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले डालूंगी इसमें जीरा और तेज़पात पत्ते थोड़े से, दो तीन, और दो खड़ी लाल मिर्च, और इसको थोड़ा भुनने दूंगी मैं। तो ये देखिए कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं मैंने, ये डाल दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद जो मैंने प्याज कट करके रखा था वो, मतलब चोपर में जो करके रखा था वो डाल दिया है मैंने, और इसको मैं ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए मेरी ब्राउन हो चुकी है, तो मैं इसको अब इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। और आप लोग भी जो बड़े बड़े मसाले देख रहे हैं, आप लोग इनको निकाल भी सकते हो और रहने भी दे सकते हो, आपको पसंद है तो, बट मैं इनको निकाल दूंगी बाद में। और मैं टमाटर को अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखिए गाइस टमाटर मैंने अच्छे से कर लिए हैं। और अब इसके बाद जो मैंने मसाले घोल के रखे हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार, और मतलब धनिया पाउडर, ये सब हल्दी पाउडर ये सब मैंने डाल लिया है, मिर्ची पाउडर वगैरह। तो ये देखिए, और मैं इसको तब तक पकाऊंगी तब तक ये मतलब कलर ना छोड़ने लगे, तेल मतलब कढ़ाई को ना छोड़ने लगे। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मटर जो मैंने बॉईल करके रखी थी गैस। तो ये देखिए, और इसको भी मैं थोड़ा भून लूँगी। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें अभी पनीर ऐड नहीं करना है हमको, क्योंकि जो ढाबे वगैरह पे जो होते हैं या फिर हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पनीर साथ नहीं डालते हैं, तो इस वजह से। और पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए गैस पनीर हमको बाद में डालना है, तो ये देखिए मैंने पनीर डाल दिया है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो खुद ही। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें धनिया पत्ती और ये कुछ मटर पनीर मसाला डाल दूँगी। ये देखिए कितनी यम्मी टेस्ट लग रही है ना, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा तो फिर बताना मुझे। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दे रही हूँ, मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ चम्मच वम्मच से नहीं, आप लोग चम्मच से भी डाल सकते हो जो आप लोग जितना पसंद करते हों।
तो ये देखिए गाइस, मटर पनीर की सब्ज़ी मेरी बन के रेडी है। तो चलिए बताना आप लोग मेरी मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी आपको। यार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक लाइक करके ज़रूर जाया करिए। तो ये देखिए मटर पनीर की रेसिपी एकदम लग रही है ना यम्मी। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मटर पनीर की रेसिपी किस किस को पसंद है मुझे बताना। और मैंने इसी तरीके से बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है इसी तरीके से। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।